प्रभात कक्षा, ये कैसे हैं प्यारे बच्चों? आशा करती हूँ सभी बच्चे स्वस्थ हैं, घर पर हैं, अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी समय पर कर रहे हैं और गृह कार्य भी समय पर कर रहे हैं। तो बच्चों, आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ 4। हमारे पाठ का नाम है विशेषण। तो विशेषण किसे कहेंगे हम? तो विशेषण ऐसे शब्दों को कहेंगे जो विशेषता बताते हो। क्या बताते हो बच्चों? विशेषता बताते हो, किसी भी वस्तु की विशेषता बताते हो या किसी इंसान की विशेषता बताते हो। जैसे कि कोई लड़की खड़ी है, मैं बोलूँगी सुंदर लड़की, वो लड़की बहुत सुंदर है, सुंदर लड़की। सुंदर क्या हो गया? सुंदरता मतलब सुंदरता उसकी दर्शाने के लिए सुंदर शब्द का प्रयोग किया ना मैंने। तो सुंदर क्या है? उस लड़की की विशेषता बता रहा है। फिर मीठा आम, तो आम की विशेषता क्या बता रहा है? मीठा आम है, लेकिन कैसा है? मीठा है। तो ये शब्द जो विशेषता बताते हैं, सुंदर या मीठा, ये दो शब्द क्या है? विशेषण है, क्योंकि ये विशेषता बता रहे हैं। तो सभी बच्चे हिंदी व्याकरण की अपनी किताब निकालेंगे, पेज नंबर 39 से पेज नंबर 39 निकालेंगे, पाठ 4। हमारे पाठ का नाम है विशेषण, देखिए और समझिए। तो बच्चों, आपको ये आपकी किताब में कुछ चित्र दे रखे हैं, मीठा आम, सुंदर फूल, गर्म कॉफ़ी, बड़ा घर, मोटा आदमी, लाल अनार, ताजे फल, 3 पुस्तकें। चित्रों के नीचे दिए गए रंगीन शब्द आम, फूल, कॉफ़ी, घर, आदमी, अनार, फल तथा पुस्तकों की विशेषता बता रहे हैं। तो चित्रों में जो रंगीन शब्द दिए गए हैं वे किसकी विशेषता बता रहे हैं? आम, फूल, कॉफ़ी, घर, आदमी, अनार, फल तथा पुस्तकों की विशेषता बता रहे हैं। इस प्रकार ये शब्द संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। किसकी विशेषता बता रहे हैं बच्चों? संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। जैसे कि आम, आम कैसा है? मीठा, तो मीठा शब्द आम की विशेषता बता रहा है ना। फिर है फूल, फूल कैसा है? सुंदर, तो सुंदर शब्द भी फूल की विशेषता बता रहा है। फिर कॉफ़ी, कॉफ़ी कैसी है? कॉफ़ी गर्म है, कॉफ़ी है लेकिन कैसी है? गर्म है, तो गर्म शब्द कॉफ़ी की विशेषता बता रहा है। फिर घर, तो घर तो है लेकिन कैसा है घर? घर कैसा है? बड़ा, बड़ा घर, तो बड़ा शब्द घर की विशेषता बता रहा है। फिर यहाँ पे आदमी है, कैसा है आदमी? मोटा है, तो मोटा शब्द आदमी की विशेषता बता रहा है ना, मोटा आदमी। फिर लाल अनार, अनार कैसा है? लाल रंग का है, तो लाल जो है अनार की विशेषता बता रहा है। फिर ताजे फल, फल तो है लेकिन फल कैसे हैं? ताजे हैं, तो ताजे शब्द फल की विशेषता बता रहा है ना यहाँ पे। 3 पुस्तकें, यहाँ पे पुस्तकें हैं लेकिन कितनी पुस्तकें हैं? तो 3 पुस्तकें हैं, तो 3 शब्द पुस्तकों की विशेषता यहाँ पे बता रहा है। तो ये इस प्रकार ये जो रंगीन शब्द आपको दिख रहे हैं, मीठा, सुंदर, गर्म, बड़ा, मोटा, लाल, ताजे तथा 3, तो ये संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। बच्चे पेज नंबर 40 निकालेंगे, विश्व में प्रत्येक वस्तु की कोई ना कोई विशेषता होती है, कि कोई भी वस्तु हो उसकी कोई ना कोई विशेषता होती है, अतः विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो बच्चों, अब आपको समझ में आया कि विशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। जैसे कि हमने पीछे देखे ना, विशेषता बताने वाले शब्द, मीठा आम में मीठा जो है विशेषता बता रहा था, और गर्म कॉफ़ी में गर्म शब्द कॉफ़ी की विशेषता बता रहा था। तो इस तरह से हर वस्तु की कोई ना कोई विशेषता होती है, हर व्यक्ति की कोई ना कोई विशेषता होती है, तो इस तरह से विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाएंगे। हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले कुछ विशेषण शब्द, हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले कुछ विशेषण शब्द। तो हिंदी भाषा में विशेषता बताने वाले कुछ शब्द हैं जिनका प्रयोग किया जाता है, तो वो शब्द, कुछ शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं, अच्छा, बुरा, काला, पीला, गोरा, कमजोर, डरपोक, अमीर, गरीब, कच्चा, ऊंचा, नीचा, ठंडा, 2, 4, थोड़ा, ज़्यादा, कुछ, बड़ा, छोटा, सुंदर, गंदा, वीर, मीठा, खट्टा,
रंगीन, प्यारा, मोटा, पतला आदि शब्द, ये जो शब्द है ये क्या है, ये विशेषता बताने वाले शब्द है। जैसे अच्छा, अच्छा आदमी, ठीक है, बुरा आदमी, ठीक है, काला भालू, पीला फूल, गोरा आदमी, फिर कमज़ोर बच्चा, तो इस तरह से ये शब्द विशेषता बताते हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, विशेषण शब्द कहेंगे। यहाँ पे समाप्त होता है बच्चों, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि विशेषण किसे कहते हैं। तो अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर से वीडियो देखेंगे, घर पे फिर से ये पाठ सभी बच्चे पढ़ेंगे।